शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर प्रमाण निर्मला दीदी जी ने देश विदेश की बहुत सेवाएं की, चारों तरफ फॉरेन में घूम के, सभी देशों में घूम के, और लास्ट में दीदी जी को प्यारे बाबा के घर में रहे और ज्ञान सरोवर संभालते रहे, और यहाँ भी बहुत जिम्मेवारी से सब सेवाएं दी है, और अब ड्रामा अनुसार बाबा ने इनको भी एडवांस पार्टी में बुला लिया है अन्य विश्व की सेवा के लिए। तो अब बाबा जो भी सेवा इनको देंगे वो तो सदा तैयार ही है, लेकिन हम सब भी दिल से विदाई देंगे ताकि आत्मा निर्बंधन होके बाबा के पास वतन में जाए। दीदी हमारे साथ है सदा और साथ रहेगी, और ऐसे सेवाएं सूक्ष्म रूप से करती रहेगी। तो आज हम दिल से पूरा ईश्वरी परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति।
अक्षर से मैं जानता हूँ, जो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं कहूँ तो हमारे यज्ञ में पहले पहले MBBS डॉक्टर बाबा के बच्चे समर्पित होकर के जो सेंटर की स्थापना की, और उसके बाद वो दिन आप सभी याद करते हैं क्योंकि हम सभी ने देखा है 2009 में कैसे स्वयं भगवान ब्रह्मा तन द्वारा जो दादी जी को आगे लाए हैं, पर अव्यक्त बाबा भी उनके सिर पे जो हाथ रख के जो शब्द कहा, जो जैसा निर्मल है तो निर्मल दादी जो अभी ज्ञान सरोवर और साथ साथ में एशिया का कार्य ईश्वरीय सेवा में समर्पित रही और हम सब के साथ अभी तक भी, मैं इनको अधिक से अधिक जो अभी मैनेजमेंट कमिटी में भी हमारे साथ रही, और आपकी जो जिस तरह से मैनेजमेंट का जो कार्य है तो उसमें किस प्रकार से आपने हम सबको एक आदर्श रूप में रह करके आज हम आपके साथ श्रद्धांजलि तो कर रहे हैं, परंतु जैसे बाबा हमारे साथ है तो इसी प्रकार निर्मला दीदी जी भी हम सबके साथ है, तो आज हम सभी दिल से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम आदरणीय दादी डॉक्टर निर्मला बेन जी 1972 में पहले बार 5 सितारे बाबा ने विदेश सेवा भेजा था में दादी के साथ में, और दादी के सबसे पहले इनकी पेरेंट्स जब इन्हें डॉक्टरेट करने के बाद में उन्होंने सेंटर बना करके इसको मधुगिरी दिया। यदि मधुगिरी में वो प्रथम समर्पित होने में डॉक्टर अव्यक्त बाबा के साथ अनेक सेवा किया और ऐसी विशेष आत्मा है, और इनको बाबा ने विदेश भेजने के बाद में पहले लंदन अमेरिका आदि ट्रेवल करके बाद में ऑस्ट्रेलिया में सेवा भेजा। ऑस्ट्रेलिया में सेंटर खोलने के बाद में फिर भी बाबा ने मनोहर दादी अव्यक्त होने के बाद में माउंट आबू आए, अव्यक्त बाबा इनको खुद ही उसके सिर पर ऐसे जैसे करुणा जी ने कहा हाथ रख करके आप ज्ञान सरोवर भी संभालना, विदेश का भी संभालना, और ऐसे इन्होंने देश विदेश के सभी भाई बहनों का दिल जीता है, दादियों का दिल जीता, मामा मामा का दिल जीता, हर ब्रह्मन परिवार को पालना दे करके इन्होंने अपने आप को एक विश्व महाराजन की तरह, विश्व सेवाधारी की तरह त्याग और तपस्या, और अंतिम तक भी इन्होंने अकेले भी यात्रा करते हैं। कुछ दिन पहले दीदी आपको बहुत आयु हो गए, आपके साथ सदा कोई ना कोई रहना चाहिए। जन संगीता बहन उनको का सेवा में लिया, उन्होंने भी बहुत दिल से सेवा किया, और इसके लिए उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में मैं तीन दिन पहले भी हम लोगों ने दादी को हॉस्पिटल में देखा, उन्होंने आँख खोल करके सब देखा 2 बार, और मैंने कहा आप दादी आप चलेंगे मधुबन में, उन्होंने ऐसा करके आँख मिटा कर दिया और सभी का याद भी दिया, परंतु ये ड्रामा बहुत विचित्र है। जैसे निर्मल आश्रम बाबा ने कहा है सचमुच हम आंखों से देखा, आज दीदी के साथ है, और दीदी जाते जाते कल योगिनी बहन आई थी तो उनके सामने भी इन्होंने आंख खोल करके बहुत अच्छी दृष्टि दिया, उनकी सारी बातें सुनी, पुरानी बातें सुनी, और आज लास्ट टाइम इतनी अच्छी दृष्टि दिया, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर एकदम शिथिल है, लेकिन आंखें चारों तरफ घूम रही थी। उन बहुत ध्यान से देखा, हमारी आदरणीय संतोष दीदी थी,
और भी सारी दीदियां थी, लेकिन इतनी साइलेंस में बहुत लोगों को शरीर छोड़ते मैंने आंखों से देखा है, लेकिन दीदी एक विशेष आत्मा है कि जो इतना पीसफुल और सबको दृष्टि देते हुए ऐसा चेहरे पर लाइट माइट मैं कभी देखा नहीं था जो आज सुबह देखा। पास मिलेगा सुख शांति शक्ति
और आराम, शक्तियों से हो श्रृंगार, शक्तियों से हो श्रृंगार, करना शुरू सतयुग से सफर, बाबा बुला रहे ज्योतित देश में ज्योति बनकर सर्व शक्तियां भरना है, ज्योतित देश में ज्योति बनकर सर्व शक्तियां भरना है, शिव ज्योति सा खुद को बनाकर जग के तम को हरना है, मेरे प्यारे राज दुलारे, मेरे प्यारे राज दुलारे, अब तो ऐसा पुरुषार्थ कर, बाबा बुला रहे हैं मूल वतन से, लौट आओ मेरे लाडलो अपने निज घर, संपूर्ण बन दिव्य गुणों से, संपूर्ण बन दिव्य गुणों से, जाना फिर नई सृष्टि की ओर, बाबा बुला रहे हैं मूल वतन से, लौट आओ मेरे लाडलो अपने निज घर, बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं।
जाल बिछा है चमक दमक का, सारी देह दुनिया में इस भंवर में डूब न जाए, अपनी पकड़ लो वो ही पार लगाए। वापस आ अपने घर को, प्यारे प्रभु बुलाए, और सुनहरा संसार है को कभी भी। तू अविनाशी आत्मा है, तेरी मंजिल तेरा साहिल तेरा सहारा परमात्मा है, विदेही करती उसकी बाबा बुला रहे हैं मूल वतन से, लौट आओ मेरे लाडलो, अपने बाबा बुला रहे हैं मूल वतन से, लौट आओ मेरे लाडलो अपने निज घर, संपूर्ण बन दिव्य गुणों से, संपूर्ण बन दिव्य गुणों से, जाना फिर नई सृष्टि की ओर। बाबा बुला रहे
बिंदु बन चम चम तारों सा उड़ आओ अब अपने धाम। बिंदु बन चम चम तारों सा उड़ आओ अब अपने धाम। शिव बाबा के पास मिलेगा सुख शांति शक्ति और आराम। शक्तियों से हो श्रृंगार, शक्तियों से हो श्रृंगार। करना शुरू सतयुग से सफर, बाबा बुला रहे ज्योतित देश में ज्योति बनकर सर्व शक्तियां भरना है। ज्योतित देश में ज्योति बनकर सर्व शक्तियां भरना है। शिव ज्योति सा खुद को बनाकर जग के तम को हरना है। मेरे प्यारे राज दुलारे, मेरे प्यारे राज दुलारे, अब तो ऐसा पुरुषार्थ कर बाबा बुला रहे हैं। मूल वतन से लौट आओ मेरे लाडलो अपने निज घर। संपूर्ण बन दिव्य गुणों से, संपूर्ण बन दिव्य गुणों से, जाना फिर नई सृष्टि की ओर। बाबा बुला रहे हैं मूल वतन से, लौट आओ मेरे लाडलो अपने निज घर। बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं। आदि में आए थे उस घर से, अंत घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आ
जिस घर के हम सब हैं भांति, जहां आत्मा शांति पाती, शांति धाम या ब्रह्मलोक वा, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है, अब घर जाना घर जाना है कि अब घर जाना।